اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया, लियबलुअकुम, ताकि वो तुम्हें आज़माए। इस पर काफ़ी तफसील से बात हुई थी कि हर चीज़ का एक मकसद होता है। इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? आज़माइश। वो आज़माइश क्या है? लियबलुअकुम, अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, ये देखना चाहता है कि किसका अमल ज्यादा बेहतर है। तो एक जगह फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान को सिर्फ अपनी इबादत यानी गुलामी के लिए बनाया। और गुलामी का मकसद अल्लाह जैसा कहे आप वैसा करें। अगर वो इबादत का कहे तो इबादत करें, वो इबादत से रोक दे तो आप इबादत से रुक जाएं। जैसे जैसे वो कह रहा है आप वैसे वैसे करते चले जाएं। तो और यहां क्या फरमाया कि इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम कैसा अमल करते हो। दोनों आयतों को मिलाएं तो पता ये चला कि अच्छा अमल करना ही इबादत है। एक जगह फरमाया इसलिए बनाया कि मेरी इबादत करें, एक जगह फरमाया इसलिए बनाया कि मैं देखना चाहता हूं इनमें कौन अच्छा अमल करता है और कौन बुरा अमल करता है। तो हमें यह पता चल गया कि अल्लाह ने जो मौत भी रखी जिंदगी भी रखी, तो इंसान के बारे में अल्लाह ये देखना चाहते हैं अच्छा बन के जिंदगी गुजारता है या बुरा बन के। अच्छे अमल करेंगे तो अच्छे कहलाएंगे, बुरे अमल करेंगे तो बुरे कहलाएंगे। यहां तक तो कुरान ने भी कहा, और पूरी दुनिया अच्छे लोगों से मोहब्बत करती है, बुरे लोगों से नफरत। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि बुरे बन के जिंदगी गुजारनी चाहिए हमें। अंग्रेज भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, सिख भी कहते हैं कि भाई अच्छे बन के रहो। बच्चों को वो भी कहते हैं, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो सब कहते हैं कि भाई नाइस पर्सन बन के दिखाओ, ठीक है ना, अच्छे बन के दिखाओ। तो फिर सवाल पैदा होता है, जब सभी ये चाहते हैं कि अच्छे बनो, फिर इख्तलाफ किस बात का है? हैं भाई, भड्डा किस बात का है फिर भाई? जब ईसाई की दावत भी यह है कि अच्छे बनो, एक अच्छे की दो कैसे होते हैं, तुम्हारे तो अच्छे भी बताएंगे, ये वो वाला अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं ना किसी को, तुम्हारे तो अच्छे भी ये काम करेंगे, ये वो अच्छा नहीं है। अच्छे का मतलब नाइस, नाइस टू मीट यू टू कहते हैं ना लोग, आपसे मिलके हमें अच्छा लगा। तो जब ईसाई भी ये कहता है कि अच्छे बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, यहूदी भी यही कहता है, हिंदू भी यही कहता है, कुरान भी यही कह रहा है, तो फर्क क्या हुआ है भाई? तो ये तो उसका मतलब सबकी दावत एक ही है, तो फिर इस्लाम क्यों आया दुनिया में? जब सबकी यही दावत है और सब यही कहते हैं, तो हमें कलमा पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? ईसाई ईसाईयत में अच्छा बन जाए, हिंदू हिंदू में हिंदुस्तान में अच्छा बन के रहे। तो असल बात यह है, इस इश्काल का जवाब यह है कि दो चीजों में इस्लाम ने बाकी मजाहिब से इख्तलाफ किया है। एक तो यह कि बाकी मजाहिब ये तो कहते हैं कि अच्छा बन के रहो, इंसान की पैदाइश का मकसद ही अच्छा बन के रहना है ये नहीं बताते। नहीं आ रही बात भाई? सारी दुनिया कहती है अच्छा बन के रहो, लेकिन हमें पैदा अल्लाह ने इसलिए किया कि हम अच्छे अच्छे अमाल करें, इसके वो कायल नहीं है, इसके वो कायल नहीं है। कहते हैं ठीक है नाइस पर्सन बनो, नहीं बने तो गवर्नमेंट तुम्हें सजा देगी, नहीं सजा दे सकी मर जाओगे तो लोग बुरे अलकाब से याद करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं है।
पहली बात यह कि इस्लाम ने यह बताया कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद अच्छा बनना है, नहीं बने तो पैदाइश का मकसद फौत हो गया, जहन्नम की आग है आग। इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अच्छे बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है, ना 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 ना, अच्छा आपके अच्छों को भी बनना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके अच्छों को भी अच्छा बनना पड़ेगा। ऑप्शन ये वो क्या होता है, पेपर जो आते हैं ना कंपलसरी, ये जो है ना जरूरी है अच्छा बनना। तो एक तो इस्लाम ने ये बताया, मुसलमान के पास ये ऑप्शन नहीं है बुरा बनने का, उसकी तो पैदाइश का मकसद ही यही है। और अल्लाह ने फरमाया कि सारिऊ इला मग़फिरति मिन रब्बिकुम, अच्छे बनने में एक दूसरे से दौड़ लगाओ, क्योंकि अच्छे नहीं बने तो सजा बहुत सख्त है, जहन्नम की आग है, और अच्छे बने तो बदला इतना अच्छा है कि वहां जाके जब ये बदला देखोगे तो कहोगे काश और अच्छा बन जाता, कि इतने थोड़े पर जब इतना मिल रहा है तो ज्यादा पर कितना मिलता। समझ में आ रही है बात, इतने थोड़े अमल पे अल्लाह इतना नवाज रहा है तो ज्यादा पे क्या मिलता, बहुत ज्यादा मिलता फिर तो। तभी हदीस में आता है ना कि जन्नत में जाने के बाद कोई हसरत नहीं होगी सिवाय इसके कि काश कोई वक्त भी अल्लाह के जिक्र के बगैर ना गुजारा होता, यानी और अच्छा बन जाता मैं। तो एक इख्तलाफ तो यह है कि इस्लाम ने हमारी पैदाइश का मकसद ही क्या बताया, अच्छा बनना। अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है, जानवरों को इसलिए, बकरे को पैदा किया ताकि हम खाएं उसको, शेर को पैदा किया ताकि चिड़ियाघर में रख के टिकट लगाएं उसको, जंगल की रौनक, हाथी को पैदा किया ताकि उसको देखो कि यार ऐसे ऐसे मखलूक भी है दुनिया में, और जब किसी को छेड़ना हो, किसी को मोटा कहना हो तो हाथी कह सको उसको। एक आदमी ने केस दायर किया अदालत में, मोटे आदमी ने जज से कहा कि इसने मुझे एक साल पहले गेंडा कहा था, इसने मुझे एक साल पहले गेंडा कहा था, इस पे जज साहब इंसाफ दिलाया जाए। जज हैरान हुआ, बोला एक साल पहले गेंडा कहा था तो मुकदमा एक साल के बाद क्यों दायर कर रहे हो? उसने कहा गेंडा मैंने आज ही देखा है, एक साल पहले इसने गेंडा कहा था, मुझे नहीं पता था गेंडा कैसा होता है, गेंडा मैंने आज देखा तो मुझे अच्छा, मुझे इसने ये बोला है, अब मैं केस करने आया हूं। तो पहला मसला क्या हुआ कि अल्लाह ने पैदा क्यों किया, अच्छे बनने के लिए, सजा बहुत सख्त है अगर नहीं बने, और बने तो बदला बहुत जबरदस्त है। जानवरों का कोई मकसद नहीं, इंसान खाए पिए, हमारा एक मकसद है। दूसरा मसला यह है, फर्क यह है कि अल्लाह ताला ने जो अच्छाई और बुराई का मैयार बताया, जो डिफाइन किया है, यानी हम में और दुनिया की दूसरी कौमों में अच्छे की डेफिनेशन में बड़ा इख्तलाफ है। उनके यहां अच्छे का मतलब कुछ और है, हमारे यहां अच्छे का मतलब कुछ और है। समझ रहे हो बात को? इस्लाम के अलावा दुनिया की जितनी कौमें हैं उनके यहां गुड पर्सन की जो डेफिनेशन है उनकी डिक्शनरी में, वो डेफिनेशन अलग है, और कुरान और सुन्नत ने, इस्लाम ने हमें गुड पर्सन की जो डेफिनेशन बयान की है, गुड पर्सन को जो डिफाइन किया है, नाइस पर्सन या गुड पर्सन, वो डिफाइन, वो डेफिनेशन उनसे बहुत मुख्तलिफ है। एन मुमकिन है हम जिसको अच्छा कहें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उनके यहां वो सबसे गंदा हो, बैड पर्सन, और उनके यहां जो सबसे अच्छा हो हमारे यहां सबसे गंदा हो। नहीं आ रही मेरे ख्याल बात? तो हमें कुरान ने और सुन्नत ने बताया कि अच्छे का मतलब क्या है, उनके यहां अलग है, उनका उसूल क्या है। सवाल पैदा तो वो कहां से लेते हैं, उनके पास कुरान और सुन्नत तो है नहीं ना, उनके यहां अच्छे का मतलब क्या है उनके यहां, क्योंकि वो अल्लाह को तो नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, तो वो खुद से फैसला करेंगे, तो खुद से उनके यहां फैसला जो एक ओवरऑल जो डेफिनेशन चल रही है, डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा, जिसको लोग मानते हैं कि भाई जिसको पब्लिक अच्छा कहे वो अच्छा है, जिसको पब्लिक बुरा कहे वो बुरा है, क्या ख्याल है? यही वजह है
कि उनके यहां वालदैन को ओल्ड हाउस में जमा करके भी वो अच्छे ही रहते हैं, वो बुरे नहीं बनते, बशर्ते के पब्लिक से अच्छी तरह डीलिंग करें, किसी को ठगे नहीं, मुल्की कवानीन को तोड़े नहीं, टैक्स जो है वक्त पे दे दिया करें। उनके यहां अगर किसी ने टैक्स वक्त पे किया है, तिजारत में दो नंबरी नहीं करता, तो कोई बात नहीं। अगर वालदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा दिया, कोई मसला नहीं। समझ रहे हैं बात को? गर्लफ्रेंड रखी हुई है 25-30, कोई मसला नहीं है भाई। क्या है? नाइस पर्सन, गुड पर्सन, कस्टमर से अच्छी तरह तमीज से बात करता है, अखलाक अच्छे हैं उसके। अगर आप अपने वालदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा दें तो आप सारी दुनिया से तमीज से बात करते रहें, इस्लाम आपको वईदें सुनाएगा कि मरने का इंतजार करो, बस जहन्नम की आग तुम्हारे लिए तैयार है। एक सहाबी का बताया था ना मैंने कि रूह नहीं निकल रही थी, हालांकि वो तो नबी पर ईमान भी लाए, नबी के साथ जिहाद में शरीक हुए, कुर्बानियों की तवील दास्तान, कितनी कुर्बानियां उनकी, कलमा भी पढ़ लिया, सखावत तो थी उन लोगों में, मगर मौत के वक्त इतनी सख्ती हुई उनके ऊपर कि उनकी रूह नहीं निकल रही, जान अटकी हुई है, तड़प रहे हैं, मौत की तकलीफ बहुत सख्त होती है। लोगों ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूल अल्लाह उनकी जान अटकी हुई है, निकल नहीं रही, अजाब में है, तड़प रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो इनके वालदैन जिंदा हैं? फरमाया हां, मां जिंदा हैं। मां को बुलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ सुलूक कैसा था? उन मां ने यह नहीं कहा कि मुझे इन्होंने ओल्ड हाउस में दाखिल किया, इस बदतरीन सुलूक का तो तसव्वुर ही नहीं था। मां ने यह भी नहीं कहा कि मेरे हुकूक नहीं अदा करते थे, खर्चा पानी नहीं देते थे, नहीं नहीं, खा भी रही थी, पी भी रही थी, हुकूक सब अदा हो रहे थे। मां ने यह भी नहीं कहा कि ये मुझे मारते पीटते थे। मां ने यह भी नहीं कहा कि मुझे गालियां देते थे। मां ने यह भी नहीं कहा कि मुझे घर से पकड़ के बाहर निकाल दिया। समझ रहे? मां ने सिर्फ इतनी बात की कि जब से शादी हुई थी बीवी को मुझ पे तरजीह देते थे, मैंने पाला पोसा जवान किया, जब बीवी आ गई तो तवज्जो सारी उसकी तरफ, मुझे नजरअंदाज कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि देखो ये भी अल्लाह की रहमत थी सहाबी के साथ। आज बाज लोग ना, नौजवान लोग बैठ के सहाबा कराम पे तंज कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने किया, रेफरी बने हुए हैं रेफरी। तो इनको अपनी मौत से डरना चाहिए। खैर ये टॉपिक चेंज ना हो जाए। तो वो कहते हैं गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। ये एक नारा कि गलत जो होगा वो तो गलत ही होगा, चाहे जो भी करे। उनका ये दावा है कि जो गलत है वो गलत है, अगर सहाबी ने गलती की तो गलती को तो गलती कहेंगे। गलती की दो किस्में हैं, एक इज्तिहादी गलती और एक वो गलती जो जिद और हट धर्मी की बेस पर हो। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हजरत अली के खिलाफ तलवार उठाई वो गलती इज्तिहादी थी, वो नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर गलती नहीं थी, वो हुकूमत की लालच में नहीं थी। अब ये मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं इस तरफ आ गया तो फिर ये पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, इनकी बातों से मुतासिर ना हो। लोग हमें कहते हैं फिर उनका बात उनके दलाइल से जवाब देना, आप उनका जवाब देना दलाइल से, एक बात हो तो जवाब देना, उसके तो सैकड़ों क्लिप हैं और उनका इसके अलावा दुनिया में और कोई काम है भी नहीं। हमारे तो उसके अलावा भी दर्जनों काम है। तो सवाल पैदा होता है कि जब एक आदमी एक चीज का अहल ही नहीं है तो उसको ये इजाजत किसने दी है कि वो तहकीक करे? देखो कोई, मैं बार बार एक बात कहता हूं, ऐसे तो कल कोई और उठेगा फिर आप कहेंगे उसका जवाब दो, परसों कोई और उठेगा आप कहेंगे उसका, भाई वो अहल नहीं है, किस इदारे ने उसको सर्टिफिकेट दिया है कि आप तहकीक सेंटर खोल सकते हैं, रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं?
एक आमी आदमी जिसने MBBS नहीं किया, जो डॉक्टर नहीं है, वो उठ के तहकीकात पेश करे कि इस मेडिसिन में ये खराबी, इसमें ये खराबी, और 400 क्लिप बना दे, तो आप क्या डॉक्टर के पास जाओगे जो स्पेशलिस्ट होंगे कि आप इसके क्लिप का जवाब दें? वो कहेगा ये है कौन, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से फारिग है, कौन सी मैं क्यों इसको लिफ्ट कराऊं, मैं इसकी बातों का जवाब क्यों दूं? इज्तिहाद करना, कुरान और सुन्नत से फिकही मसाइल अखज करना, इसके लिए मुज्तहिद होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर मुज्तहिद वाली सलाहियतें नहीं है और उम्मत गवाही ना दे जब तक, और आपसे बड़े उलमा गवाही ना दें जब तक कि आपके अंदर यह सलाहियत है, तो आपको अपनी तहकीक पेश करने की शरीयत इजाजत नहीं देती, आप अहल नहीं है इसके। वो रफुल यदैन पर जो उसने दलाइल दिए, मैंने जवाब दिया था जुम्मे के बयान में, वो सुन ले के लिए। लेकिन ये कि एक रफुल यदैन की बात मैंने कर दी, वो तो सैकड़ों मसाइल हैं। अगर ये बात होगी तो इस्लाह उम्मत का काम कौन करेगा भाई, क्योंकि ये बहसें उम्मत में खत्म हो चुकी हैं, इन पर मजाहिब मुदवन हो चुके हैं। अब नए सिरे से इन बहसों को उठाओगे तो उलमा की सलाहियतें जा जाऊंगी। तो जो आदमी अहल नहीं है, देखो एक मिसाल देके बस मैं आगे चलता हूं। फुकहा ने मसला बयान किया है कि जिसने हिकमत नहीं पढ़ी हुई, उस जमाने में डॉक्टर नहीं हकीम होते थे, जो बाकायदा हकीम ना हो तो उसके लिए लोगों का इलाज करना जायज नहीं है, अगरचे उसके इलाज से लोगों को फायदा भी हो फिर भी यह गुनाहगार होगा, इसलिए कि यह फायदा तुक्के में हो रहा है। आई बात समझ में? अहल नहीं है। अब अगर उसके फायदा हो भी रहा है तो फिर भी उसको सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि यह तुक्के में फायदा हो गया। यही वजह है कि किसी भी कहीं भी दुनिया में आप क्लिनिक खोल नहीं सकते जब तक आपके पास आप डॉक्टर ना हो या हिकमत का सर्टिफिकेट ना हो। पाकिस्तान में भी खिलाफ कानून है, जो जगह जगह अताई हकीम बैठे हुए हैं ना, खिलाफ कानून है ये, इजाजत नहीं है इनको, कोई भी आके बैठ के क्लिनिक खोल ले और चूरन चटनी बांटना शुरू कर दे लोगों को। वो चाहे कितने ही दावे करे, बोलेंगे भाई आप किस इदारे से, हिकमत का इल्म आज थोड़ी है, वो तो सदियों से चला आ रहा है ना, तो कौन से मुल्क के बड़े बड़े हकीम हैं जिन्होंने आप पर एतमाद करके कहा कि हां ये भी अहल है? वो तो आपसे दस्तबरदार हैं। हकीम मुरसलीन कहता है मुझे भी इससे ताल्लुक नहीं है, हकीम सईद वो कह रहे हैं मेरे भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बड़े बड़े जितने दुनिया के हकीम है वो कह रहे हैं भाई इस नौजवान को मैं नहीं जानता, ये पता नहीं कौन है कहां से आया। अब अगर आप उससे चूरन चटनी लेने जाओगे तो ये आपके बेवकूफ होने की अलामत होगी, चाहे वो चूरन कितना ही फायदा पहुंचाए। अगर वो फायदा पहुंचा रहा है तो समझ लो उसके साइड इफेक्ट इससे ज्यादा हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा है, वो आपको बाद में पता चलेंगे। तो जो लोग इंजीनियर साहब की बातें सुन रहे हैं ना, उनको फायदा हो रहा है, उनको फायदा पता चल रहा है, साइड इफेक्ट पता नहीं चल रहा है, ऐसी तबाही आने वाली है, आपका सारे उलमा से एतमाद खत्म, कुछ दिनों में आप इंजीनियर से भी हाथ खींचोगे और आप एक नया फिरका बन के सामने आओगे उम्मत के, ये होगा। अभी तो आपको इफेक्ट नजर आ रहे हैं, साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहे, कुछ दिनों में साइड इफेक्ट होंगे। किसी जाली हकीम से इलाज कराओ, वक्ती फायदा बहुत अच्छा होता है जाली, क्योंकि वो ऐसी दवाएं देते हैं ठा करके लगे आपको, वो ये थोड़ी देखते हैं इस दवा से गुर्दों खराब हो रहे हैं या फेफड़े खराब हो रहे हैं, ठा करके लगेगी वो दवा, थोड़े दिनों में जब पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये साइड इफेक्ट है इसके। इसी तरह किसी ऐसे शख्स को क्लिनिक खोलने की इजाजत नहीं है जो MBBS डॉक्टर ना हो। अब आप क्या, मैंने डॉक्टरों की किताबें बहुत पढ़ी हैं और यार ये मजमून चेंज ना हो जाए तो गिच्ची पकड़ के रखें, जहां से चले थे ना वहां से चलना है हमने आगे, क्योंकि मैं वो ट्रैक चेंज करता रहता हूं, वो बाज नहीं आता मैं, तो अब आपने उसको पकड़ना है ताकि मौजू हमारा हट ना जाए, ये पता नहीं कहां से आ जाती हैं बातें। तो अब MBBS डॉक्टर है, एक आदमी डॉक्टर नहीं है, उसने डॉक्टरों की किताबें पढ़ी, मुल्क के डॉक्टर गवाही नहीं दे रहे कि ये भी डॉक्टर है, हां मानते हैं इसको क्लिनिक खोलने, वो ऐसे ही उठ के बैठ गया, फौरन छापा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पता नहीं कौन सी दफा लगेगी और अंदर हो जाएगा वो। अब अगर वो कहे कि मैं जो दलील से बात कर रहा हूं कि पेनाडोल के इस फॉर्मूले में ये है और अमेरिका के फला डॉक्टर की रिसर्च है कि पेनाडोल जो खिलाई जा रही है उसमें जो पैरासिटामोल एक जुज्व है इससे ये हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के डॉक्टरों को, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसका चैलेंज नहीं सुना जाएगा, बोलेगा तुझे बिठाया किसने है, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है आपको क्लिनिक खोलने की इजाजत किसने दी? लेकिन हमारा दीन और इस्लाम इतना यतीम हो गया है कि जो नथ्थू फत्थू उठता है बैठ के
फतवे झाड़ना शुरू कर देता है और पब्लिक उसको ज्यादा सुनती है क्योंकि वो नई नई बातें ला रहा है मार्केट में। लोगों को आदत होती है नया सुनने की, लोगों को आदत क्या होती है यार, ये तो सब कर रहे हैं, पांच नमाजें फर्ज हैं, हैं? ये तो सभी कह रहे हैं, ये इतना तो कोई नई चीज लाओ ना। तो ये अजीब अजीब सी चीजें, अब आप कह सकते हैं वो कौन सी नई चीज लेकर आ रहा है, ये भी अजीब बात है। ये नई चीज लाते हैं मगर लेबल पुराना लगाते हैं उसके ऊपर, ये नया फिरका बनाते हैं मगर लेबल क्या लगाते हैं, हम फिरकावारियत नहीं फैला रहे, हम खत्म कर रहे हैं। ये जबान से कहते हैं हम दूसरों की नफी नहीं कर रहे मगर तर्ज अमल क्या होता है, इनको सुनने वाला सबसे बददिल हो जाता है। तो नफी कर रहे हैं, तो ये एक नहीं है, बहुत सारे इस किस्म के लोग मार्केट में आ रहे हैं। तो भाई हमारा दीन यतीम, जैसे मेडिकल साइंस आज थोड़ी ईजाद हुई है, चलता आ रहा है सदियों से। तो अब अगर कोई डॉक्टर तहकीक करेगा, रिसर्च पेश करेगा, उसको तो सुना भी जाएगा। डॉक्टर के अलावा कोई ये काम करेगा, भाई कौन हो तुम? मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूं, आपने सुना होगा मैंने कभी पोलियो के कतरों के खिलाफ, हिफासी टीकों के खिलाफ बयान नहीं किया। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यार पोलियो इतनी बड़ी साजिश है इस्लाम के खिलाफ और यहूदियों की साजिश है और ये है, और लोग कहते हैं ऐसी बातें। एक दफा मैंने बयान किया कि भाई मुझे नहीं पता इसमें जरासीम है या नहीं है, बाद में जुम्मे के बाद मुझे दाढ़ी वालों ने पकड़ लिया, बोले आपको पता ही नहीं, इंटरनेट पे पूरे 2-3 सफे निकाल के लाए, पोलियो तो जहर है और इसमें तो औलाद खत्म करने के जरसूमे, ये जो पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और ये हिफासी और नेस्ले के पानी में ये है और मर्दाना कुव्वत खत्म और ये बंद क्या क्या। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा भाई बयान इस मौजू पर। क्यों भाई क्यों नहीं कर रहे मुफ्ती साहब? मैंने कहा भाई अगर इसमें जरासीम है तो ये डॉक्टर बताए ना है जरासीम, डॉक्टर क्यों चुप बैठे हुए? नहीं आ रही मेरा ख्याल बात। भाई अगर नेस्ले में जरासीम है, कोई औलाद खत्म करने के जरासीम है, तो ये मुझे समझ में क्यों आ रहा है, डॉक्टरों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? जो इस फील्ड के माहिर हैं वो कहें, डॉक्टर की एक जमात आए बोले मौली साहब ये तो मैं बयान करूंगा, इसमें मैं तकलीद कर रहा हूं किसकी, डॉक्टरों की, क्योंकि जब मेरे पास मेडिकल साइंस का इल्म नहीं है तो मैं या तो मेडिकल साइंस का इल्म हासिल करके डॉक्टर बन के तहकीक करूं, और अगर मैं तहकीक का अहल नहीं हूं तो तकलीद करूं। मैं ना मुहक्किक हूं कि तहकीक करता हूं और ना मुकल्लिद हूं, तो फिर मैं क्या बनूंगा बताओ, तो जाहिल हो जाऊंगा ना मैं। दो ही रास्ते हैं शरीयत में, या तो इल्म हासिल करके मुज्तहिद बनो, बराह रास्त तहकीक करो कुरान और सुन्नत से, और अगर मुज्तहिद नहीं बनते तो किसी मुज्तहिद की तकलीद करो, इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर मुज्तहिद की करो। बड़े बड़े जो मुज्तहिदीन गुजर चुके हैं, बाज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान और सुन्नत को इतना आसान कर दिया है कि इसके लिए हमें किसी मुज्तहिद की जरूरत नहीं है, यह बात भी गलत है। कुरान और सुन्नत नसीहत के लिए आसान है, फिकही मसाइल के लिए आसान नहीं है, यह खुद कुरान से साबित है। कुरान में आता है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री, हमने इस कुरान को आसान कर दिया नसीहत के लिए, यह नहीं कहा लिल मसाइलिल फिकहियती, मसाइल के लिए आसान कर दिया, यह नहीं है कुरान में। फहल मिन मुद्दकीर, कोई है नसीहत हासिल करने वाला, यह नहीं कहा कोई है मुज्तहिद बनने वाला, हमने तो इतना आसान कर दिया खुद समझ के मसाइल निकालो, यह नहीं है कुरान में। मसाइल के बारे में कुरान में आता है वह अनजल्ला इलैका ज़िक्रा, हमने आप पर इस नसीहत को, यानी यहां जिक्र से मुराद नसीहत नहीं पूरा कुरान है। इसकी दलील यह है कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री में अल्लाह ने कुरान का नाम जिक्र किया कि हमने कुरान नाजिल किया जिक्र के लिए आसान, हमने कुरान को आसान किया जिक्र के लिए, वहां कुरान का अलग नाम इस्तेमाल हुआ है, तो पता चला आगे जिक्र से मुराद कुरान नहीं बल्कि नसीहत है। और यहां अल्लाह ने फरमाया अनजल्ला इलैका ज़िक्र, हमने इस नसीहत को नाजिल किया, इससे पता चला इससे पूरा कुरान मुराद है। नहीं आ रही ना सर, तब ये भी नहीं आ रही तो बाकी कहां से समझ में आएंगे जो इससे ज्यादा पेचीदा मसाइल हैं। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, आगे फरमाया लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि ए नबी आप लोगों के सामने बयान करें मा नुज़िला इलैहिम, के नाजिल किया हुआ है। अब अगर कुरान, ये मुनकिरीन हदीस जो है ना, ये यही आयत पेश करते हैं हदीस के खिलाफ, कहते हैं जब अल्लाह कह रहे हैं मैंने कुरान को आसान कर दिया तो हदीस की तरफ जाने की क्या जरूरत है, हैं भाई? और जो फिकह के मुनकिर हैं, जो कहते हैं कि वो ये आयत पेश करते हैं फिकह के खिलाफ,
हालांकि इस आयत से ना फिकह की नफी हो रही है ना हदीस की। इसमें तो है कि नसीहत के, नसीहत किसे कहते हैं? जन्नत जहन्नम की बातें, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के एहसानात। ये वाला टॉपिक कुरान में इतना आसान है कि इसके लिए आपको ज्यादा इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी तर्जमा पढ़ेगा उसको मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, कौम समूत, कौम आद, भाई अल्लाह ने नाफरमानों को कैसे तबाह किया, बहुत आसान है ये। ये होती है नसीहत, इबरत जिसे कहते हैं, इबरत के लिए आसान कर दिया। और जहां अल्लाह ने फरमाया वह अनज़लना इलैका ज़िक्रा, हमने इसलिए नाजिल किया लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि नबी खोल खोल के बयान करें। तो जब नबी खोल के बयान करेंगे इसका मतलब कुरान समझने के लिए हमें हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। क्या पता चला कुरान मुश्किल था तभी तो हदीस का सहारा लेना पड़ेगा? आसान होता तो थोड़ी हमें समझ में आ जाता, फिर क्यों नबी को बता रहे कि नबी बयान करेंगे? और आगे फरमाया वला अल्लाहुम यतफक्करून, नबी के बयान के बाद फिर क्या होगा? ये लोग गौर और फिक्र करेंगे। फिक्र का लफ्ज नहीं, तफक्कुर अरबी में बाबे तफाउल कहते हैं, मुश्किल से तकल्लुफ के साथ कोई काम करना। क्या मतलब? फिर ये अकल लड़ाएंगे, गौर और फिक्र से काम लेंगे, बहुत गहराई में घुसेंगे तो मसाइल का इस्तेमाल होगा, कुरान खुलेगा फिर इनके सामने। और तफक्कुर मुफक्किर लोग करते हैं, हर आदमी को तफक्कुर की इजाजत, एक बात। दूसरी बात, तफक्कुर किस में करना है? पूरे कुरान में करना है, और फिर कुरान की तशरी हदीस है, तो सारी हदीसें और पूरा कुरान मिला के तफक्कुर करना है। तो जिसको पूरा कुरान और सारी हदीसें नहीं आती वो तफक्कुर का अहल है? वो अहल हो सकता है तफक्कुर का? एक बात। दूसरी बात ये कि खुद हदीस में नबी ने बताया कि जिन लोगों को हदीस आती भी है तो जरूरी नहीं है कि वो हदीस का माना भी समझते हो, ये खुद हदीस से साबित है। पता ये चला कि जहानत और तफक्कुह के एतबार से भी उम्मत की दो किस्में हैं। बाज इल्म जानते हैं उसकी गहराई से वाकिफ नहीं होते, और बाज जानते भी हैं और साथ साथ गहराई से वाकिफ होते भी हैं। क्योंकि नबी, ये हदीस कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया फरुब्बा हामिलु फिक्हिन गैरु फकीहिन। नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है, फरमाया मेरी तरफ से जो बात सुनो पहुंचा दो, बाज लोग मेरी बात जानते हैं मगर गैरु फकीहिन समझते नहीं है। तो तुम जब पहुंचाओगे किसी के पास तो वो जान भी लेगा और समझ भी लेगा। इमाम लैस बहुत बड़े हदीस के उस इमाम गुजरे हैं, मुहद्दिस, ये जो लोग कहते हैं ना हम मुहद्दिसीन के मजहब पर हैं, नहीं, आप मुहद्दिसीन का ये मजहब ही नहीं था जो आपका है। मुहद्दिसीन इसकी इजाजत नहीं देते थे कि हर आदमी उठ के कुरान हदीस पे रिसर्च करे। वो फरमाते अल हदीस मिगल्लतुन इल्ला लि अहलिहा, हदीस गुमराही है मगर उन लोगों के लिए जो हदीस समझने के अहल हैं। नहीं आ रही मेरे ख्याल बात? तभी तो उम्मत ने बड़े बड़े ये जो सहाबा का दौर था इसमें चंद मखसूस लोग थे जिनको फतवा देने की इजाजत थी, हालांकि हदीस तो बहुत सारे सहाबा जानते थे, चंद मखसूस लोग थे, उनके उंगलियों पे नाम गिने जा सकते हैं, उंगलियों पे नाम गिने जा सकते हैं। मुझसे एक दफा किसी की बहस हो गई, मैं तो इन चीजों से अपने आप को बचाता हूं मगर चिपक जाते हैं लोग ना। वो कह रहे हैं कुछ तकलीद का सबूत दिखाओ हदीस से, तकलीद का सबूत दिखाओ। मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल को यमन में भेजा, तो हजरत मुआज़ इब्ने जबल ने फरमाया कि मैं कैसे फैसला करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान से, अगर कुरान में ना मिले आपने फरमाया हदीस से, फरमाया हदीस में ना मिले तो फरमाया इश्तिहाद करो। इससे एक तो पता चलता है हर मसला कुरान और हदीस में होता नहीं है, इश्तिहाद करो। उन्होंने फरमाया कि नहीं, नबी ने उनसे पूछा कि कैसे मसला बयान करो, उन्होंने फरमाया पहले कुरान में देखूंगा, फरमाया ना मिला तो फरमाया हदीस में देखूंगा, फरमाया अगर फिर भी ना मिला तो आपने फरमाया कि मैं इज्तिहाद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ा रसूल रसूलिल्लाहि बिमा युहिब्बु व यरज़ा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अल्लाह के रसूल को उस बात की तौफीक दी जिस पर वो राजी है। मैंने उनसे कहा अगर हर शख्स को कुरान और हदीस में खुद घुसने की इजाजत होती मसाइल निकालने के लिए,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ इब्ने जबल को यह ना फरमाते कि कुरान में देखना, फिर हदीस में देखना, फिर इज्तिहाद करके लोगों को फैसला सुना देना, बल्कि ये फरमाते कि लोगों को कुरान पकड़ा देना, मेरी सारी हदीसें सुना देना, उनसे बोलना जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, उसको खुद ही फॉलो करते चले जाओ। हजरत मुआज़ इब्ने जबल अहल थे, उनको हुक्म दिया कि आपका काम है तहकीक करना और यमन की पब्लिक का काम है मुआज़ इब्ने जबल की तकलीद करना, उनका काम तहकीक करना नहीं है। कैसे? पुलिस बुलाऊं समझाने के लिए? भाई 15 पे फोन करें। तो एक आदमी को इसलिए किया जा रहा है ताकि बाकी लोग वो अपने कारोबार में मशगूल हों, कोई टमाटर बेचेगा, कोई प्याज बेचेगा, कोई रक्षा चलाएगा, कोई बिजनेस करेगा, चंद लोग इसके लिए फारिग होंगे और बाकी लोग उनकी तकलीद करेंगे। आई बात समझ में? अगर मुआज़ इब्ने वो मुझे कहने लगे नहीं ये नहीं है, ये कहां से है, ये वगैरह वगैरह फजूल बातें, तो ये कहां से? तकलीद का सबूत कुरान और सुन्नत से मिलता है, लफ्ज दिखाने की जरूरत नहीं है, अल्फाज आप उसको कुछ और नाम दे दो, हमें क्या है, काम तो वही हो रहा है ना जो मुकल्लिदीन करते हैं। तो आप नाम से अगर आप कह के लफ्ज दिखाओ तो आप इसको कुछ और कह दें। तो मैंने उनका जो यहां हुआ है वही चारों मजाहिब के जो फॉलोवर है ना वो यही वाला काम इमाम हनीफा के साथ कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर सारे मुहक्किक बन जाएंगे फिर तो मसला खराब होगा। तो दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्ने जबल को वहां भेजा, उन्होंने, हां एक इस पर इश्काल होगा कि यह तो कुरान ने अंधी तकलीद से तो मना किया है, यकीनन अंधी तकलीद के हम भी कायल नहीं है। अंधी तकलीद और बसीरत वाली तकलीद में फर्क यह है कि तकलीद कर किसकी रहे हैं आप? आई बात समझ में? अंधी तकलीद यह होती है कि ऐसे की तकलीद की जाए ला याकिलून शैअन वला यहतदून, जिनमें खुद अकल नहीं थी और वो खुद इस सीधे रास्ते पर नहीं थे, यह तकलीद अंधी होती है जिससे कुरान ने मना किया है। और एक तकलीद वो होती है जो बसीरत के साथ हो, वो थी जो यमन के लोग मुआज़ इब्ने जबल की कर रहे थे। आई बात समझ में? क्योंकि उनको एतमाद था कि ये नबी के सफीर हैं, ये नबी के सफीर हैं, ये कुरान और सुन्नत हमसे ज्यादा जानते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे इमाम अबू हनीफा किसकी तकलीद करते थे? मैंने कहा जब इमाम हनीफा मुज्तहिद नहीं थे, अगर उस वक्त भी किसी की तकलीद ना करते हो तो माज़ अल्लाह नकल कुफ्र, बहुत बड़े बेवकूफ थे माज़ अल्लाह, कि जब खुद भी कुछ ना आता हो और किसी को फॉलो भी ना कर रहे हो। इमाम हनीफा जब मुज्तहिद बने उस वक्त उन्होंने तकलीद तर्क कर दी। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है, तो मुज्तहिद पर थोड़ी तकलीद है, वो तो खुद मुहक्किक होता है। लेकिन ये अजीब बात है जब इमाम हनीफा मुज्तहिद नहीं बने थे उस वक्त भी किसी को फॉलो भी नहीं करते थे, कैसी अजीब सी बात। फिर वो मुझसे सवाल पूछने लगे अच्छा इमाम हनीफा किस दिन मुज्तहिद बने कि उन्होंने तकलीद छोड़ी? मैंने कहा इमाम बुखारी किस दिन मुहद्दिस बने? ये तो अजीब, इल्म कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आज एक दिन में आप ये बन गए, ठीक है ना? ये तो आहिस्ता 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 सलाहियत पैदा होती है, फिर एक वक्त आता है कि उस वक्त के उलमा सोलह ने गवाही दी कि भाई आप एतमाद किया कि भाई आप इस काबिल हैं कि आपको फॉलो किया जाए, तो ये एकदम से थोड़ी हो जाता है। तो जैसे कोई मुहद्दिस ये नहीं बनता कि 3:05 पे मुहद्दिस बना वो, तो ये सब फजूल चीजें हैं, इनमें पढ़ने की चंदा जरूरत नहीं है। मेरे पास लाएं किसी को, मेरे पास इंशाल्लाह इनके हर सवाल का। एक साहब ने मुझे कहा यार ये जो हरम में चार मुसल्ले थे, एक अजीब फिरका आया है, उसने कहा ये हरम में हनफी शाफी चार मुसल्ले 700 साल रहे हैं, ये कितनी बड़ी फिरकावारियत थी, हनफियों का मुसल्ला अलग हरम में, शाफियों का अलग, मालिकियों का अलग और हम्बलियों का अलग, चार मुसल्ले। मैंने कहा बहुत गलत था, वाकई मुसल्ला एक ही होना चाहिए, लेकिन ये आप कहां थे उस वक्त हैं? अगर आप उस वक्त मौजूद थे तो आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी कि यार पांचवा हमारा भी होना चाहिए? शिया लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, शिया लोगों ने बड़ी कोशिश की 700 साल तक कि हमारा भी एक मुसल्ला होना चाहिए, लेकिन उम्मत ने उसको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने बोला आप अहले सुन्नत से खारिज हैं, लेकिन चार थे। तो मैंने इसका मतलब यह है कि सदियों तक आपका वजूद था ही नहीं, और मैंने कहा वो चार मुसल्ले थे तो उन चार को खत्म भी इन चारों में, चारों में नहीं मिलके किया कि भाई एक ही इमाम होगा जिसके पीछे सब नमाज पढ़ेंगे। तो
तो मेरे पास लाया करें, मेरे पास फितना परस्तों की बातों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लेकिन मसला मेरे साथ ये कि मैं सारे दिन यही काम करता रहूंगा तो मैं, वो हमारे महल्ले में एक कोई फाहिशा खातून रहती थी, शुक्र है चली गई यहां से, वो हर वक्त गेट खोल के, वो उसकी बेचारी की रुखसती से पहले बेवा हो गई थी तो रिश्ता ही नहीं हो रहा था, अब वो बाल खोल के लहराती रहती। तो एक लड़का नमाजी परहेजगार गुजरा, मेरे पास आया, कह रहा यार ये मुझे कह रही थी, एक दिन इसने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि तुम ना मुझे लेके भाग जाओ, तुम मुझे लेके भाग जाओ। मैंने कहा आपने क्या कहा? कह रहे मैंने कहा मैं तुम्हें लेके भागूंगा, मुझे कौन लेके भागेगा फिर मैं जब तुम्हें लेके भागूंगा तो मुझे कौन लेके भागे? तो जब मैं सारा दिन अगर यही करता रहूंगा बैठ के, क्लिपों के जवाबात ही देता रहूंगा, तो भाई हमारे तो और दर्जनों काम है, तदरीस है मेरी कई घंटे की, वहां पढ़ाना होता है, फिर ये इस्लाही बयानात भी करने होते हैं, फतावा भी लिखने होते हैं, तो वो क्या, यानी फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं, जवाब दो ना, जवाब दो ना, जवाब नहीं है तुम लोग के पास। इसलिए मैं बयानात में आजकल इन टॉपिक को छेड़ने लगा हूं कि अल्लाह का वास्ता नई नई चीजों से मुतासिर ना हो जो चीजें। हां ये एक बात मैं आपको अहम तरीन बता दूं, अच्छा ये अब इस पर लोग इश्काल करते हैं कि फिर आप भी मुआज़ इब्ने जबल की तकलीद कर लें या अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कर लें या हजरत उमर की कर लें, इमाम अबू हनीफा की क्यों कर रहे हैं आप? ये भी सवाल होता है भाई। बात इस ये है कि इमाम अबू हनीफा ने इस ये काम बाकायदा मुरतब तरीके से किया है और फिका को मुदवन किया है, एक लॉ लॉ की शक्ल में महफूज हो गया है। इसी तरह इमाम शाफी ने यह काम किया है, जैसे हदीस जमा कर ली ना इमाम बुखारी ने, तो अब जब एक किताबी शक्ल में एक चीज आ गई है तो हदीस में आपने इमाम बुखारी को इमाम बनाया कि नहीं बनाया? उससे पहले हमारे पास कोई ऐसे मुदवन चीज मिलती नहीं है मुवत्ता इमाम मालिक के अलावा। तो जैसे अहदीस की किताबें जब मुतायन हो गई तो अब इन्हीं किताबों को फॉलो करना पड़ेगा, तो ऐसे जब फिका मुदवन हो गया तो अब उस मुदवन शुदा फिका ही को फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप कोई कायदा, और आपको क्या पता चलेगा किस वक्त मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद के कॉल को लेना है, किस वक्त अब्दुल्ला बिन अब्बास के कॉल को लेना है, किस वक्त हजरत अबू हुरैरा के, आपको क्या पता चलेगा? तो ये काम मुज्तहिदीन ने कर दिया, उन्होंने दलाइल के अंबार लगा दिए, बहस मुबायसा करके राय कायम कर दी और एक चीज मुदवन हो गई, और ऐसी मुदवन हुई कि सदियों तक उम्मत उस पर चलती रही है, दो चार दिन की बात नहीं है उम्मत के उलमा। तभी आपको अगर माजी की किताबें आप उठा के देखें, किसी आलिम जो सदियों तक, उलमा जितने गुजरे हैं, आप अगर इनकी सीरत पढ़ेंगे तो आपको या तो तबकात हनफिया में मिलेंगी वो, या तबकात शाफिया में, या तबकात मालिकिया में, या तबकात हम्बलिया में, पांचवे तबका कोई मिलेगा ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह कोई एक दो ऐसे, कोई सदियों के बाद एक आलिम आए, कोई एक वहां गुजरे हिंदुस्तान में अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह और एक इब्ने हजम जाहिरी, वो भी बहुत पहले गुजरे हैं, वरना मिलते ही नहीं। तो सब ने एक मजहब को फॉलो किया है। हां ये जरूर है कि इनमें बाज लोग जो बहुत ज्यादा इल्म हासिल करते थे तो वो बाज चीजों में अपने मजहब के खिलाफ फतवा देते थे, बाज चीजों में, जैसे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने आठ मसाइल में फिकह हम्बली को छोड़ दिया, आठ मसाइल में, बाकी सब मसाइल में वो भी फिकह हम्बली को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह अल्लामा इब्ने हुमाम जो फुकहाए हनफिया में बहुत बड़े मुहक्किक थे, उन्होंने दो तीन मसाइल में फिकह हनफी को छोड़ दिया, लेकिन मेजॉरिटी वो उसी को फॉलो करती चली आ रही है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उम्मत इस काम से फारे हो गई है, अब ये फाइलें लपेट के आगे दूसरा काम शुरू कर दे तो रफुल एदैन का मसला हल हो गया, दो मजहब वजूद में आ गए, अब उन्हीं में से एक को फॉलो करो और आगे बढ़ो, अब दूसरे काम करो, ये काम मुकम्मल हो चुका है। अब ये फजूल किस्म के सवाल आते हैं, साहब मुझे कहने लगे अच्छा ये बताएं कि आप जो हैं क्या हनफी इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे? क्या हनफी, क्या ये चारों मजाहिब नबी के दौर में थे? मैंने क्या क्या मुसहफ़े उस्मानी नबी के दौर में था? वो था से पता क्या आ जाता है, था वो हमारे एक दोस्त थे, एक तो ये चुटकले दरमियान में आ जाते हैं, क्या करें, हमारे एक दोस्त थे वो शिकार पे जाया करते थे हमारे साथ, बल्कि मैं उनके साथ जाया करता था, तो वो लोग अपने अब्बा को कहते थे अब्बा जी, तो जल्दी जल्दी वो कहते थे अब्बई, अब्बा जी से क्या बन गए थे वो अब्बई अब्बई अब्बई। तो वो एक दिन क्या हुआ, कोई शिकार, कोई बतख नजर आई उनको, तो वो उनके पास 32 बोर की गन थी,
तो अब्बू से कह रहा है अब्बा इठा, तो वो उनकी चिड़ बन गई अब्बाई था। तो हम जब भी उनको देखते हैं हम कहते हैं अब्बाई था, ठीक है ना। तो जब भी मैं ये था का लफ्ज जोर से बोलता हूं ना, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अच्छा भाई, जिन लोगों ने मसाइल पूछने हैं ना, जो फेसबुक पर भी हैं, तो वो अभी लिख के दे दें, एडमिन साहब लिख रहे हैं, तो आखिरी 15-20 मिनट में मैं मसाइल का जवाब दूंगा, ठीक है ना। हमने लाइव सेशन मसाइल का, हमने कहा अलग से कोई दिन आगे बैठे हैं, वो एक लंबी टेंशन है, टाइम नहीं मिलता। तो इसी बयान के बाद आखिरी 15-20 मिनट हमने किसके लिए रखे हैं, आपके मसाइल और उनका हल, ठीक है। तो आप लोगों में से भी किसी ने पूछने हो तो जितने 15 मिनट में हो गए, जो पहले पेश कर देगा उसके हो जाएंगे, बाकी सारा का तो जवाब नहीं दिया जा सकता ना। तो जो पर्चियां आ गई आप तरतीब से पकड़ते चले जाएं, जो पर्चियां जितनी पहले आएंगी उनका जवाब होगा, बाकी फिर नहीं होगा। तो 15-20 मिनट होंगे। तो मैं वो बता रहा था कि कहते हैं ये फिकह है भाई, नाम नहीं कोई भी दिखा सकता, मगर मसाइल वही है जो सहाबा के दौर में थे, वही मसाइल हैं, मसाइल बिल्कुल वही हैं जो सहाबा के दौर में थे। तो वो मैंने उनको बताया कि मुसफ़े उस्मानी था नबी का, तो आप मुसफ़े उस्मानी क्यों पढ़ते हो, मुसफ़े मुहम्मदी क्यों नहीं पढ़ते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जितने मसाहिफ थे ना, सबको आग लगा के एक नुस्खा तैयार करवाया ताकि उम्मत में इख्तलाफ और इंतशार ना हो। सारे मसाहिफ जो नबी के दौर के थे एक तैयार करवाया, और उसका नाम क्या पड़ गया, मुसफ, क्योंकि उसको मुरतब करने वाले कौन थे, हजरत उस्मान। तो फिकह हनफी को मुरतब क्योंकि इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों ने किया, इसलिए उसको हनफी कहा जाता है, वरना ये वही फिकह है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और साहबा का फिकह था, क्योंकि दलाइल सारे कुरान और सुन्नत से और साहबा के अकवाल से मिलते हैं। आप जो कहते हो ना नहीं इसमें कुरान और सुन्नत की दलील नहीं है, इसलिए कि आपने एक तरफा बातें सुनी होती हैं। मैं अबू जहबी गया बयान के लिए, एक साहब ने मुझे पर्ची दी कि आप लोग इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते, इसकी क्या दलील है, वो भी फिकह हनफी को फॉलो करते थे। मैंने कहा इसकी दलील है, सही है मुस्लिम में आता है, अव्वल तो कुरान मजीद की आयत है, दूसरी सही मुस्लिम में आता है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए। फ़ैदा कब्बरा फकब्बिरू, तकबीर कहे तो तकबीर कहो, वईदा करा फअंसितु, जब किरा शुरू करे तो खामोश हो जाओ, वईदा काला वलज़ालीन, जब वलज़ालीन कहे तो कुलू आमीन, तो आमीन कहो, वईदा रका फरकाऊ, जब रुकू करे तो रुकू करो। मैंने कहा इसमें मुक्तदी की फातिहा कहाँ गई है भाई। तो वो कह रहे हैं यार इतनी वाजे अगर हदीस है तो ये फड्डा क्यों है फिर। ठीक है उनके पास भी हदीस है, मैं ये नहीं कह रहा उनके पास हदीस नहीं है, लेकिन अगर अहनाफ के पास भी इतनी मजबूत हदीस है तो मैं तो समझ रहा था कि अहनाफ के पास कोई दलील है ही नहीं, ये तो बड़ी दर्द हजरत, ये पता क्यों नहीं हमें। मैंने कहा इसलिए पता नहीं है कि आपने एक तरफ के दलाइल सुन सुन के, दूसरी तरफ होता यह है कि बाज दफा कोई ऐसा बंदा आपको टकर जाता है जिसको मालूमात नहीं होती, वो फिर ऐसे दलाइल लेता है, आप कहते हैं इनके पास तो दलाइल है। ये तहकीक थोड़ी है कि चार आदमियों से आप पूछ लें, तहकीक ये है कि फातिहा खल्फल इमाम पे मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की किताब है पूरी, खातिमतुल कलाम फिल किराती खल्फल इमाम, शायद यह नाम है, यह इससे मिलता जुलता कोई और नाम है, बहुत पहले मैंने बचपन में कहीं देखी थी वो किताब पढ़े आप, वो पूरी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने के बारे में इतनी मोटी किताब है, तहकीक है, वो पढ़ेंगे और फिर फरीके मुखालिफ की भी इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा आपने एक मसले पर तहकीक की है। YouTube के क्लिप से तहकीक नहीं होती, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो ये जो है ना, और फिर बाज लोग ये कहते हैं कि तो जहरी नमाज के बारे में है, इमाम जब किरात करे, सिर्री नमाज के बारे में तो नहीं है ना। सिर्री नमाज के बारे में हदीस है, मन कान लहू इमामुन फकिराअतुल इमामी लहू किराआ, जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की किराअत मुक्तदी के लिए काफी है। इमाम हनीफा की राय यह है कि यह जहरी और सिर्री दोनों नमाजों को यह हदीस आम है। बाज लोग इस हदीस को फौरन जईफ कह देते हैं, अब मैं इसकी तहकीक में जाऊंगा तो लंबा वक्त हो जाएगा। नासिरुद्दीन अल्बानी रहिमहुल्ला ने इस हदीस को सही करार दिया है, ये लोग इस नासिरुद्दीन अल्बानी को बहुत फॉलो करते हैं इसलिए मैं उनकी दलील ले रहा हूं, उन्होंने कहा कि यह हदीस सही है। समझ में आ रही है बात। तो ये इमाम हनीफा की मजबूत दलील है कि जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफी है। वो कहते हैं ये जहरी में भी सिर्री में भी दोनों नमाजों को शामिल है, इसमें कहीं फर्क नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने इस हदीस को असल बनाया,
और बाज दफा ऐसे भी होता है कि इमाम अबू हनीफा तक जब हदीस पहुंची वो सही थी, बाद के रावी उसमें क्या थे, कमजोर रावी आए, तो बाद के मुहद्दिसिन ने उसके ज़ईफ होने का फैसला किया, जबकि इमाम हनीफा की नजर में वो क्या थी, सही थी। तो आप आज जिस हदीस को ज़ईफ कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो ताबीन के दौर में भी ज़ईफ समझी जाती हो। नहीं आ रही बात समझ में? तो खैर ये खुश्क मौजू है, और तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अवाम का काम नहीं है कि फिकी मसाइल में दलाइल में पड़े। इसमें आप जो एतमाद है ना मुज्तहिदीन पर, उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? अंधी तकलीद ये है कि आप किसी ऐसे को फॉलो कर रहे हैं जो खुद सीधे रास्ते पर नहीं। एक साहब ने मुझे कहा इमाम अबू हनीफा तो कुरान हदीस पे चलते थे, तो आप कुरान हदीस पे क्यों नहीं चलते, आप इमाम हनीफा के पीछे क्यों चलते हो? मैंने कहा इमाम हनीफा अगर कुरान हदीस के पीछे चलते थे तो उनको पीछे चलने वाला कुरान हदीस पे चलने वाला ही कहलाएगा ना, ये अजीब बात है। और मैंने कहा इमाम हनीफा जब मुज्तहिद बने तो बराह रास्त चलते थे, जब तक मुज्तहिद नहीं थे तो किसी को फॉलो करते थे। तो हम मुज्तहिद नहीं है, लिहाजा हम भी फॉलो करके चल रहे हैं। अगर हम मुज्तहिद बन गए तो हम भी फॉलो नहीं करेंगे। तो कह रहे फिर आप वो, फिर हर सवाल पे सवाल, फिर आप अपने आप को आलिम को कहते हैं। मैंने कहा हम आपके मुकाबले में आलिम हैं, हम मुफ्ती आपके मुकाबले में, इमाम हनीफा के मुकाबले में जाहिल हैं। मौलाना कासिम नानोतवी का किसी से मुनाजरा हुआ सूरह फातिहा के, फातिहा इमाम के पीछे फातिहा के मसले पर, उन्होंने दलाइल के अंबार लगा दिए। तो उस शख्स ने कहा कि मैं हैरान हूं आप इतने बड़े आलिम हो फिर भी आप तकलीद कर रहे हो, इतने दलाइल आपके पास हैं फिर भी तकलीद कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं हैरान हूं कि तू तो इतना बड़ा जाहिल है फिर भी तकलीद नहीं कर रहा, मुहक्किक बना हुआ फिर रहा है। तो मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, अगर कोई मुज्तहिद समझता है अपने आप को, वो समझता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं बहुत बड़ा फंटर बन गया हूं, मेरी रिसर्च पूरी हो गई है, तो ठीक है वो तकलीद ना करे, लेकिन वो अपने लोगों को अपने पीछे ना चलाए, क्योंकि उससे पहले लोग उससे बड़े बड़े मौजूद हैं। वो कहेगा भाई आप उसको फॉलो करें जो मुझसे भी बेहतर है। आई बात समझ में? ये नेक होने की अलामत होगी। और अगर सबसे हटा के अपने पास ला रहा है तो हुब्बे जाह का मरीज है, इसको बड़ा बनने का शौक है और कुछ नहीं है। दलाइल की बातें हैं मगर नफ्स में खराबी है। तो इसलिए और भी इस पे सवाल जवाब लेके चलूंगा तो पूरे 6 महीने इसी पे लग जाएंगे। बात क्या कर रहा था मैं, गिच्ची पकड़ के रखी हुई थी अभी। हां मैं ये वाकया सुना रहा था कि वो सहाबी रसूल थे, उनकी रूह नहीं निकल रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा को बुलवाया, उन्होंने क्या फरमाया कि ये अपने बीवी को मुझ पे तरजीह देते थे। क्या करते थे? ये तरजीह देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालदा से कहा कि इनको मुआफ कर दो। उन्होंने कहा मैं मुआफ नहीं करूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि फिर लकड़ियां जला के क्या तुम ये चाहती हो उनको आग में डाल दिया जाए? उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मैं कैसे अपने बेटे को आग में डालूं? फरमाया दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर रही, अपने बेटे के लिए जहन्नम की आग बर्दाश्त है, तुम्हें जहन्नम की आग बर्दाश्त है। तो उन सहाबिया ने अर्ज किया, फिर उन्होंने माफ कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा सहाबी को, फरमाया जाओ देख के आओ कि रूह निकली है या नहीं निकली। रूह निकल गई है तो इसकी अलामत है कि वाकई मां ने दिल से माफ कर दिया है। जाके देखा तो वाकई रूह निकल चुकी थी। अब बताओ जो शरीयत ये बर्दाश्त नहीं कर रही, और देखो ये सहाबा के साथ इसलिए ऐसा हो गया, बात यहां से शुरू हुई थी कि सहाबा पे तंज कर रहे हैं, कि अल्लाह को सहाबा इकराम से चूंकि मोहब्बत थी, अल्लाह ने आखिरत के अजाब से बचाने के लिए दुनिया में ही तकलीफ में डाल दिया ताकि इनकी मां माफ करे। यह है सहाबा कराम की फजीलत। तो उनकी गलतियों को अपनी गलतियों पर कयास नहीं करना चाहिए। आज कोई हुकूमत के खिलाफ बगावत करे उसके हकाम कुछ और हैं। सहाबा के दौर में अगर हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई थी, बगावत तो वो भी गलत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत को सही कहना शुरू कर दो। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो हजरत अली के खिलाफ मौकिफ था, उलमा कहते हैं कि वो गलत मौकिफ था मगर वो गलती इज्तिहादी थी। बाज दफा दलाइल के ताने बाने इंसान गलत मिला देता है जिससे नताइज वो गलत अखज कर लेता है। वो मुखलिस थे इस बात में, इखलास से भी गलती हो जाती है इंसान से। खैर तो अल्लाह ताला ने उनको मरने से पहले पहले मगफिरत का कैसा इंतजाम किया कि इनकी नेकियां ही नेकियां, ये वाला गुना है तो
तो अभी सजा दे दो। हदीस में आता है इन्नल्लाह इदा अहब्बा कौमन अज्जल लहू उकूबतहू फिद दुनिया, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करते हैं दुनिया में सजा दे देते हैं उसकी ताकि आखिरत में धुला हुआ जाए वो। इसलिए जो लोग गुनाह कर रहे हैं और दुनिया में बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं तो वो मुतमईन ना हो, समझ लें सारा आखिरत के लिए रखा जा रहा है। दुनिया में परेशानियां आना ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बशर्ते के सब्र की तौफीक मिले। लेकिन दुआ यही करनी चाहिए अल्लाह हम सबको परेशानियों से बचाए और अपनी रहमत से वैसे ही गुनाह माफ कर दे। तो मैं अब जो असल बात अर्ज कर रहा था कि देखो इतना बड़ा जुर्म है, हालांकि उन सहाबी ने मां को ओल्ड हाउस में दाखिल नहीं किया, घर से पकड़ के बाहर नहीं निकाला, मगर अल्लाह का फिर भी गजब नाजिल हुआ। तो इस्लाम की नजर में इस्लाम यह बर्दाश्त कर लेगा कि आप अपने वालदेन को ओल्ड हाउस में दाखिल कर लो? है भाई, आप उनका खर्चा ना उठाओ, गवर्नमेंट्स को बोलो कि ये मैंने ईदी सेंटर में जमा करा दिया, गवर्नमेंट खर्चा देगी। तो पता ये चला कि अच्छाई, अल्लाह जो कह रहे हैं ना अच्छे बनो, तो अच्छे का मतलब क्या है? जिसको अल्लाह अच्छा कहे वो अच्छा है, जिसको अल्लाह बुरा कहे वो बुरा है। तो ये बहुत अहम मौजू है, इसको मैं इंशाल्लाह दोबारा अगले हफ्ते लेके चलूंगा। अभी सवाल